Why are Rabia? Rabia is asking me, Sahil, why are men generally more intelligent than women? Scientifically, मैं आपको बड़े टेस्ट के रिजल्ट्स बता देता हूँ जो कि मुस्तनद हैं, प्रेसिडेंटेड हैं, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं उनके और ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यू कैन चेक कि मेन जनरली हैव अ हायर बैंड ऑफ आईक्यू, ठीक है, देयर बट देयर ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम. खवातीन का जो बेसिक आईक्यू का स्पेक्ट्रम है ना, वो जो पैटर्न है, क्लस्टर है, वो बीच में आता है आईक्यू के स्पेक्ट्रम के. तो आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं औरतों से, और टोटल डफर्स भी आदमी ही होते हैं. ओके, बोथ एक्सट्रीम्स पे आदमी है, टोटली अन इंटेलिजेंट और टोटली इंटेलिजेंट. खवातीन इतनी लो इंटेलिजेंस में भी नहीं होती, अभी एक्सेप्शंस को छोड़ दें आप, वो आदमियों में भी होती हैं, औरतों में भी होती हैं. जनरली जो आईक्यू पैटर्न्स किए हुए हैं लाखों एक्सपेरिमेंट्स के बाद, औरतों के आईक्यू बैंड जो है ना, वो एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम दोनों तरफ नहीं जाते, दे आर वेरी स्टेबल इन देयर आईक्यू स्पेक्ट्रम्स. सो ये मत सोचें कि आदमी अल्लाह ने ज़्यादा ज़हीन पैदा किया. आपके सामने करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं इस वक्त, आपके अपने घरों में आपकी बच्चियां अपने ही भाइयों से अपने काउंटर पार्ट्स के साथ ज्यादा जहीन और ज्यादा आईक्यू. तो दिस नॉट लाइक अ रूल. और ये भी हो सकता है कि आदमी बहुत ही बेवकूफ और अहमक बाय आईक्यू बहुत ही लो हो, और हमारे सामने लाखों एग्जाम्पल्स हैं ऐसी, ज्यादातर पार्लियामेंट हाउस में ही बैठी हुई हैं जो लीडरशिप रोल में हैं, जिनके आईक्यू बैंड आपको मेरे से बेहतर पता है, ठीक है. तो वो तो नहीं औरतें, वो ऐसी अहमकाना हरकतें क्यों करते हैं, ठीक है. और सिर्फ यहां नहीं है, पूरी दुनिया में. सो वुमेन आर जनरली इक्वल इन इंटेलिजेंस इन जनरल परस्पेक्टिव देन मैन. ये मैं आपको फिर बता दूं, सिंस वी आर डूइंग अ वेरी डिटेल सेशन ऑन वुमेन लीडरशिप और इन इट्स प्योरिटी. तो ये एक जनरल परस्पेक्टिव है पूरी दुनिया का, कि वो ये देखते हैं कि औरतें और मर्दों की लीडरशिप या रेगुलर फर्क तफरीक क्या है. इवन दो ये को नहीं देखता कि 95% मुमासलत है औरत और आदमी की, बिल्कुल सेम सिमिलरिटी है. एट सम लेवल्स 100% भी है, मगर इन जनरल ऑल साइकोलॉजी फिजियोलॉजी कंबाइन कर लें तो द मॉडलिंग ऑफ द वुमन एंड द मैन बाय अल्लाह ताला इज द सेम. हमें पास वो आदत है, वो फर्क देखना है हमें. 95% की एग्जैक्ट फोटो स्टेट ऑफ सिमिलरिटी को नहीं देख रहे, बस वो 5% के फर्क के अंदर बैठ के बस किताबें और दुकानें चमका रहे हैं कि मेरे को लेक्चर सुन ले या मेरे को किताब पढ़ ले. जनरल मॉडलिंग सेम है, और इसीलिए जनरल रूलिंग भी सेम है. नमाज वही अल्लाह ने बताई औरत के लिए भी, रोज़ा वही बताया, ज़कात वही बताई, सब कुछ सेम है. आई डोंट नो कि ये फ़र्क के ऊपर ही क्यों हमने इतना फोकस किया हुआ है. मैं आपको साइंटिफिक फ़र्क ज़रूर बताऊँगा, और वो है एट द बिहेवियरल पैटर्न कहाँ पे सेट करते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हॉर्मोनल प्रेजेंस एंड थ्रेशोल्ड्स. तो वो अगले क्वेश्चन है, उसके आंसर में आपको बताता हूँ. मगर ख्वातीन और मर्द 95% जो सेम है, उसी बेस के ऊपर जिम्मेदारियां भी सेम है, वो आप उसी तरह एज इज उठाएंगी. ये एक पाकिस्तानी कल्चर के अंदर एक मसला है कि वो खातून को बचपन से ही एक डिफेक्टो समझता है, इसको अल्लाह ने कोई कम चीज़ें दी हुई हैं. वो इसलिए क्योंकि हम हिंदुओं से इनहेरिटेंस लेते हैं इस चीज़ का, जिसको अपने शोहर की मौत के साथ कब्र तो नहीं आग में डालते होते थे, ये तो उनकी जो है ना पेडेस्टल है औरत का, तो हमने तो वहीं से उठानी है फिर. तो इन साइंटिफिक एंड रिलीजियस टर्म्स देर इज नो डिफरेंस इन द मेट्रिक्स ऑफ द वुमन एंड द मैन. हाउएवर कहीं पर अगर एक सिंगल मदर है तो वो है घर की लीडर, कहीं पर अगर एक आदमी है अपने घर को चला रहा तो वो है, देर इज नो डिफरेंट बुक फॉर देम. ओके, कोई एक अलग से किताब नहीं है कि आदमी घर में लीडर है तो उसकी वो किताब है और औरत घर की लीडर है तो वो किताब है. कुरान सेम है, हदीस सेम है, सेम फिलॉसफी, सेम मॉरल एट्रीब्यूट्स चाहिए औरत को भी आदमी को भी, ठीक है. सो इंटेलिजेंस भी अल्लाह ताला ने औरत को भी दी हुई है और आदमी को भी दी हुई है. सो let me take another question. I hope this is this answered your question. Why are men so jealous? Fatima Amjad, she says, why are men so jealous of women when they are progressing? Fatima, just to answer your question, jealousy is not a male trait. Okay, if anything, jealousy is a female trait by practice. So
I'm not going to side with the men on this one, nor the women. Generally, a khatoon se khatoon jitni jealous hai, utna us khatoon se mard jealous nahi hai. So, ye jealousy ki jo curve hai na, usko plot karte hue ki bahut bada ek hamara ek session hai iske upar. Of what jealousy is, kahan se aati hai, iski science kya hai, Allah Taala ne kyun isko itna bada gunah diya hua hai. So, wo main usme nahi ja raha, magar generally, women and men, जो भी प्रोग्रेस कर रहा होता है उससे वेमेन एंड मैन जो भी नहीं कर रहे होते जेलस हो जाते हैं. हाँ, एक आपके क्वेश्चन को अगर मैं इन आइसोलेशन लूं कि अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, तो वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जनरली खवातीन कुछ कर ही नहीं रही, तो कोई करती है तो फिर लोगों को एक हसद आ रहा था कि यार ये कहां से आ गई, यू नो शी सपोज टू बी एन अंडर डॉग. तो उसको उसको ये मत सोचें कि वो इसलिए क्योंकि आप औरत हैं या वो इसलिए कि आप आदमी हैं. वो एक्सेप्शनली ऐसे हो सकता है, जनरली वो इसलिए भी होता है कि आप तरक्की कर रही. सो इट इज नॉट ए साइमल्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम जस्ट द मेल जेंडर. ओके.